गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम आपका सब्जेक्ट हिंदी पढ़ेंगे और ये हमारे हिंदी का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है छोटा जादूगर। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किसी छोटे से जादूगर के बारे में पढ़ेंगे। इस स्टोरी में एक बच्चा है जो 12 से 13 साल का है, जो अपने घर की परिस्थिति व बाजुओं का खेल, मतलब कि अपने घर की परिस्थिति के कारण क्या करता है, जादू का खेल दिखाता है। जो वो छोटा सा बच्चा है उसके पिताजी नहीं है तो वो घर की जिम्मेदारी बड़े ही धैर्य और आत्मविश्वास तथा साहस से निभाता है। कहानी हमें बताती है कि किस प्रकार आवश्यकता व मजबूरी एक बच्चा समय से पहले ही बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं, हम स्टोरी में पढ़ते हैं उस बच्चे के बारे में। एक जगह है जिस जगह का नाम है कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल रात गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वाले को देख रहा था। लेखक क्या कहते हैं कि वो किसी को, एक लड़के को देख रहा था, जो क्या कर रहा था, वो लड़का चुपचाप शराब पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोती सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। क्या था, वो छोटा सा बच्चा था, उसके गर्दन में एक रस्सी पड़ी हुई थी और उसकी जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी, मतलब कि क्या था, उसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा धैर्य, बहुत ही ज्यादा विश्वास। मैं उसकी ओर ना जाना क्यों आकर्षित हुआ, वो लेखक बोल रहे पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मैं उस बच्चे की तरफ आकर्षित होने लगा। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा, मतलब कि वो खुद उससे क्वेश्चन करें कि तुमने इसमें क्या देखा। मैंने सब देखा है, ये चूड़ी फेंकता है, खिलौने पर निशाना लगाता है, तीर से नंबर छेदता है, मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, क्या बोल रहे कि जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। ये बच्चा बोल रहा है कि उससे अच्छा तो मैं ताश का खेल तुम्हें दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रगलता से कहा, उसकी वाणी में रुकावट ना थी, मतलब कि क्या, उसने बहुत ही विश्वास से कहा, उसकी वाणी में मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बहुत सोच समझ के बोल रहा है, उसने इतने विश्वास से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम गए थे, उसने पूछा कि तुम वहां गए थे, उस पर्दे में क्या है। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पर टिकट लगता है, वहाँ जाने के लिए टिकट होना ज़रूरी है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने क्या बोला कि चलो आज तुम चलो मेरे साथ, और मतलब कि उसने अपने दोस्त मन में ऐसा बोला कि चलो आज का मित्र यही सही, वो उसे उस पर्दे के पीछे ले जाना चाहता है। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। वो क्या कह रहा है कि पहले हम शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सर हिला दिया, उसने क्या करा, मतलब कि गर्दन से ही हाँ कर दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो गई थी, मतलब कि शाम, सर्दियों का टाइम था और शाम में भी लोग वहाँ इतने थे कि उसकी भीड़ से वह संध्या वह शाम भी गर्म हो गई थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है, उसने पूछा कि तुम्हारा और कौन कौन है। उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया, माँ और बाबूजी। लेखक ने उससे पूछा तो उस बच्चे ने जवाब दिया, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं करा, वो क्या बोलते हैं कि उसके लेखक पूछते हैं उस बच्चे से कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं करा। बाबूजी जेल में है, क्यों, मतलब कि उस बच्चे ने बोला कि जो मेरे पिताजी हैं वो जेल में हैं। लेखक पूछते हैं क्यों, देश के लिए वह गर्व से बोला, और तुम्हारी माँ वह बीमार है, मतलब कि बच्चे से लेखक पूछ रहे हैं कि तुम्हारी माँ, तो वो बच्चा बता रहा है कि वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिस्सार की हंसी छूट पड़ी, कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पर्थे दूंगा। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं यह खिलौना या खेल देखने घर से नहीं निकला, तमाशा देखने नहीं निकला, बल्कि तमाशा दिखाने निकला हूँ। मैं यहाँ से तमाशा दिखाकर
पैसे लेकर जाऊंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया, होता तो मैं इससे अधिक प्रसन्नता होती। मतलब कि वो बोल रहा है कि अगर आप मुझे शरबत ना पिलाकर कुछ पैसे दे देते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मतलब कि वो क्या बता रहे हैं कि उस बच्चे को एकदम, जो बच्चे की उम्र थी वो कितनी थी, 12 से 13 साल, और लेखक क्या करे उसे देखने लगे। हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा जेल में सब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूं। तो वो क्या कहते हैं कि तमाशा दिखाकर मैं क्या करूँगा, पैसे कमाऊँगा जिससे अपनी माँ का इलाज करूँगा और अपना पेट भरूँगा। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली की लट्टू नाच रहे थे। क्या हो रहे थे, चारों तरफ बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यंग्य हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। उसने लेखक क्या बोल रहे कि चलो हम लोग निशाना लगाने चलते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता है। वो किस जगह पर पहुंचे कि जहाँ पर खिलौना मार के कोई भी खिलौनों को गिराया जाता है, कि हम कोई भी बॉल फेंकेंगे और जो खिलौना है निशाना लगाएंगे और वो चीज़ गिर जाएगी। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। लेखक कह रहे हैं कि मैंने टिकट खरीदा और लड़के को दे दिया। वह निकला पक्का निशानेबाज, उसने कोई गेंद खाली ना गई। वो जो बच्चा था वो पक्का निशानेबाज था और उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई थी। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया। उसने क्या करा, 12 टिकट थे तो उसने 12 बार बॉल फेंके और उसका कोई भी निशाना खाली नहीं गया और उसने क्या करा, 12 खिलौने जीत लिए। कुछ मेरे रुमाल में बंधे और कुछ जेब में रख लिए गए। उसने क्या करा, कुछ तो अपने रुमाल में बांध लिया और कुछ अपने जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह 9-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंखें बदल गई। वो क्या कहा, वो बच्चा वहां से चला गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा, ऊपर नीचे आना देखने लगा। मतलब कि क्या करने लगे लेखक, हमारे वहीं पर खड़े होकर लोगों को देखने लगे जो झूल रहे थे। असमत किसी ने ऊपर से हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मतलब कि क्या हुआ, लेखक को ऊपर से आवाज आई बाबूजी। तो स्टूडेंट ये स्टोरी थी आपकी, जो आपका पार्ट है चैप्टर नंबर 4, ये हम यहीं पर मतलब कि रोकते हैं। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। जब तक आप फर्स्ट वीडियो को देखो और चैप्टर को समझो कि इसमें जिस बच्चे के बारे में बताया गया वो कितनी मेहनत कर या तमाशा दिखाकर अपनी माँ की दवा के लिए पैसे इकट्ठे करता है और